योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह आज एसपी में होंगे शामिल, पार्टी बदलने वाले तीसरे मंत्री। पूर्वांचल में अच्छा दखल रखते हैं दारा सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दिया था इस्तीफा। गोवा को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की आज होगी बैठक, उम्मीदवारों पर होगा मंथन। बैठक में मौजूद रहेंगे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में बैठक होने की संभावना। उत्तराखंड के दावेदारों पर भी आज बीजेपी करेगी फैसला, होगी कोर ग्रुप की बैठक। चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली जैसी सियासी गतिविधियों पर पाबंदी बढ़ाई, कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला। अब 22 जनवरी तक रैलियों पर पाबंदी, पहले 15 जनवरी तक थी पाबंदी। इंडोर सभागार में सभा को इजाजत लेकिन 300 से ज्यादा लोगों पर बैन। राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त ताकीद, कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर रखे नजर। राजनीतिक दलों को किया गया आगाह, कोविड नियम माने, डिजिटल प्रचार ही करें। अखिलेश यादव की रैली पर चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब, जवाब नहीं मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई, बिना इजाजत की गई थी रैली। यूपी के पूर्व निर्वाचन अधिकारी ने दी रिपोर्ट, बिना इजाजत रैली का दिया हवाला। सपा के 2500 कार्यकर्ताओं पर पहले दर्ज हो चुकी है रिपोर्ट, अब पार्टी को भेजा गया है नोटिस। बीजेपी के बागी विधायकों ने सपा में शामिल होने के वक्त हुई थी रैली, बड़ी तादाद में जुटे थे वर्कर। यूपी में बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, गोरखपुर शहर से सीएम योगी आदित्यनाथ को बनाया गया उम्मीदवार। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री के दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर शहर से टिकट देने पर योगी ने पीएम और नड्डा को दिया धन्यवाद, कहा पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। देखिए मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का। बीजेपी एमएलए शीतला प्रसाद का सिराथू से कटा टिकट, अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने पहली सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, 20 मौजूदा विधायकों के काटे टिकट। बीजेपी ने पहले चरण में 58 में से 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, दूसरे चरण की 55 में से 45 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर बीजेपी ने मौजूदा एमएलए को ही दिया टिकट, नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को फिर मौका। जेवर सीट से धीरेन्द्र सिंह और दादरी से तेजपाल नागर होंगे बीजेपी के उम्मीदवार, लेकिन दादरी में नागर के लिए राह नहीं है आसान। कैराना से बीजेपी ने मृगांका सिंह को मैदान में उतारा, सरगना से संगीत सोम को फिर मिला टिकट। गोरखपुर शहर से योगी के टिकट मिलने पर अखिलेश यादव का तंज, बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया, जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हमें खुशी है इस बात की कि अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि मेट्रो बनी क्यों नहीं। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी को दलितों की जरूरत ही नहीं है। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है, वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर लगाया दलितों को अपमानित करने का आरोप, कहा यूपी में अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीएसपी छोड़ चुके रामवीर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थामा, आगरा में हुए शामिल। बीजेपी की पहली लिस्ट में हापुड़ से सदर सीट पर विजय पाल सिंह आरती को मिला टिकट, धौलाना से धर्मेश सिंह तोमर और गढ़मुक्तेश्वर सीट से हरेन तेवतिया को मैदान में उतारा गया। मुरादाबाद नगर से मौजूदा बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता उम्मीदवार घोषित, समर्थकों में खुशी की लहर। यूपी में आरएलडी की एक और सूची जारी, 7 प्रत्याशियों के नाम का किया गया ऐलान। कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन गिरफ्तार, खुद ही पुलिस के सामने किया सरेंडर। यूपी में मायावती ने बीएसपी की जारी की पहली लिस्ट, मुस्लिम उम्मीदवारों पर खेला बड़ा दांव। मायावती ने अपने जन्मदिन में 58 में से 53 सीट पर उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, कहा पूरा प्रदेश मेरा परिवार है। कि यूपी में इस समय विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी को फिर से जनता यहां जरूर सत्ता में वापस लाएगी। जन्मदिन पर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और सतीश चंद मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा का किया स्वागत, दोनों खूब कर रहे हैं मेहनत। दिलाना चाहती हूँ
कि इस बार सत्ता में आने के बाद हमारी पार्टी अपने पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही। भड़काऊ भाषण मामले में यति नरसिम्हानंद गिरफ्तार, मामले में हुई है दूसरी गिरफ्तारी। कोतवाली हरिद्वार लाया गया यति नरसिम्हानंद को, धर्म संसद के संयोजक स्वामी आनंद स्वरूप ने गिरफ्तारी की निंदा की। गिरफ्तारी के वक्त नरसिम्हानंद के समर्थकों ने किया हंगामा, पुलिस ने सख्ती से किया काबू। कैसे पता चलेगा? साजिशन मार दिया, इसको ले जा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, अयोध्या में श्रद्धालु का तांता, पवित्र सरयू में लगाई गई डुबकी। नादिया में आज भी होती है मगरमच्छ और कछुए की पूजा, इकोसिस्टम की हिफाजत की होती है कामना। कानपुर में गैंगस्टर की 65 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ढोल नगाड़ों के साथ जाकर लिया गया एक्शन। दिल्ली में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, पारे में आई जबरदस्त गिरावट। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से बेघर हुए लोग, नाइट शेल्टर में भीड़। दरभंगा राज परिवार के आखिरी राजकुमार यज्ञेश्वर सिंह का निधन, 78 साल की उम्र में ली अंतिम सांसें। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के केसेस 2 लाख के पार, शनिवार को आए थे 2,68,833 मामले। कोरोना से 402 लोगों की मौत, कुछ राज्यों में संक्रमण दर 30% के पार। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़े, फिलहाल 14,17,000 एक्टिव केसेस। तीसरी लहर के इस महीने के आखिर तक पीक पर आने की आशंका, तब तक बढ़ेंगे और मामले। टीकाकरण की तेज रफ्तार की वजह से मौत का आंकड़ा कम, अस्पताल जाने वाले मरीज भी कम। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना की 20,000 से ज्यादा नए मामले, 30 लोगों की गई जान। मुंबई में 10,666 लोग कोरोना से संक्रमित, 24 घंटे में 11 की गई जान। यूपी में कोरोना के 15,795 नए मामले, सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 95,148। गुजरात में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, 7 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 3,848 नए मामले, 2 मरीजों की गई जान। बिहार में कोरोना के 24 घंटे में 6,324 मरीज आए सामने, करीब अब तक 36,000 एक्टिव केस। गोवा में एक दिन में 3200 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 4 मरीजों की गई जान। जम्मू कश्मीर में 3,151 लोग 24 घंटे में संक्रमित, 4 लोगों ने गवाई जान। खरगोन में अजीबोगरीब मामला आया सामने, बिना सैंपल लिए एक शख्स को बताया गया पॉजिटिव। असम में मास्क लगाना जरूरी, सीएम ने कहा वैक्सीन नहीं लगाने वालों को होटल मार्केट में नो एंट्री। लोअर लगा में मंत्री के कार्यक्रम में टूटे कोरोना नियम, सैकड़ों की भीड़ जुटी, किसी ने नहीं लगाया मास्क। झालावाड़ में टूटे कोरोना के नियम, खतरे के बाद भी हो रहा था मृत्यु भोज। मदुरई में जल्लीकट्टू के आयोजन में कोरोना की नहीं परवाह, बड़ी तादाद में बिना मास्क दिखाई दिए लोग। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी, बेवजह बाहर निकलने पर बैन। एमपी के हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम को लगी बूस्टर डोज, प्रायोरिटी ग्रुप में आने का मिला फायदा। कानपुर में कार से मिले 50 लाख रुपए रकम ले जा रहे शख्स से पूछताछ जारी। अंबाला में स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा गया। सीतापुर जेल से रिहा हुए आजम के बेटे अब्दुल्ला, सभी केस में जमानत मिली। रत्नागिरी में शिवसेना विधायक राजन सालवी को धमकी, रिफाइनरी का काम नहीं रोकने की चेतावनी। राजस्थान के अलवर बलात्कार मामले में पीड़ित लड़की के परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग, पूछा जिला प्रशासन ने क्यों बदला अपना पक्ष। अलवर रेप पीड़िता के परिवार से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। अलवर में दिव्यांग बच्ची से रेप मामले में पुलिस अब तक खाली हाथ, सीएम गहलोत ने बीजेपी को सियासत नहीं करने की दी नसीहत। अलवर की रेप पीड़िता के पिता से प्रियंका गांधी ने की बात, जताई सहानुभूति। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने अलवर की घटना को बताया निंदनीय, बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं होने वाले बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट टीम की कप्तानी, दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद बड़ा फैसला। ट्विटर पर संदेश जारी कर कप्तानी छोड़ने का विराट ने किया ऐलान, बीसीसीआई का किया धन्यवाद। विराट ने एमएस धोनी का किया याद, कहा लंबे वक्त तक कप्तानी में भरोसा करने के लिए शुक्रिया। बीसीसीआई ने विराट कोहली के फैसले का किया स्वागत, बतौर टेस्ट कप्तान 40 मैचेस में जीत के रिकॉर्ड पर दी बधाई।
बीसीसीआई सचिव जय शाह ने विराट की कप्तानी की जमकर की तारीफ का। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट मैच से जीत की थी खास। टोंगा में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी सक्रिय होने के बाद आई सुनामी। अमेरिका के वेस्ट कोस्ट और अलास्का में जारी की गई है चेतावनी। अमेरिका में पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यूक्रेन को चेताया, कहा रूस के ऑपरेटिव्स यूक्रेन में एक फर्जी फ्लैग ऑपरेशन की बना रहे हैं योजना। ब्रिटेन के मुख्य विपक्षी नेता स्टॉर्मर ने पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की मांग की। शराब पार्टी को लेकर मचा है बवाल। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से N95 मास्क पहनने की अपील की। ओमिक्रॉन की लड़ाई के लिए बताया कारगर। नेदरलैंड्स में कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन में छूट का ऐलान। जरूरी एहतियात के साथ खोले गए सलून, बार और सिनेमाघर। उत्तर कोरिया ने अमेरिका की चेतावनी को दिखाया ठेंगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में फिर किया मिसाइल परीक्षण। योकोविच को फिर डिटेंशन सेंटर भेजे जाने का जर्मन टेनिस खिलाड़ी जेरेव ने किया विरोध। सर्बिया ने भी नोवाक को कोर्ट में दिखाए मेडिकल रिपोर्ट को बताया वैध। हॉल ऑफ फेम में शामिल पूर्व स्टार टेनिस खिलाड़ी क्रिस एवर्ट ने अपने कैंसर से पीड़ित होने का किया खुलासा। एक हफ्ते पहले कैंसर होने के बाद एवर्ट ने कीमोथेरेपी शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष जॉन कोट्स ने विंटर ओलंपिक्स का किया समर्थन, अगले महीने बीजिंग जाने का दिया भरोसा। इक्वाडोर, कोस्टारिका, पनामा और कंबोडिया के बीच बड़ा समझौता। गैलापागोस इकोसिस्टम को 60,000 किलोमीटर बढ़ाने पर बनी सहमति।